तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मायरन मिनर के बारे में, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। ये है मायरन मिनर और ये हूँ मैं, और इसको हम याद करने वाले हैं ट्रिक्स के साथ। इससे पहले हम रजनी कोठारी और रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ट्रिक के साथ याद कर चुके हैं। रजनी कोठारी तो मैंने आपको रजनीकांत से याद करवाया था, और रुडोल्फ एंड रुडोल्फ में हमने हस्बैंड और वाइफ की स्टोरी पढ़ी थी। तो जिसने नहीं देखा फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वो प्लेलिस्ट देखना स्टार्ट करो। सिर्फ दो थिंकर से पढ़ सकते हो आराम से। आज का जो ट्रिक होगा हमारा वो होगा, जैसे आपको तक पता है मायरन मिनर थे हमारे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर साहब थे। और आपको ये भी मान के चलना है ट्रिक के लिए कि वो हमारे दोस्त भी थे, ठीक है। आपका कोई डॉक्टर दोस्त है तो आपको अपने दोस्त के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तो आप फिर ऐसे कभी नहीं भूलोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का एजेंडा है, मैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे मायरन मिनर का, देन एरिया ऑफ इंटरेस्ट उनके क्या थे, देन बुक्स एंड ऑथर्स, देन हम चाइल्ड लेबर, स्कार्सिटी, पावर्टी और कुछ और कॉन्सेप्ट उनके, देन उनका व्यू ऑन पार्टी सिस्टम, ठीक है। सब टू द पॉइंट रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ। तो इंट्रोडक्शन, ये बहुत 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 बोरिंग स्लाइड है आज के लेक्चर की, तो ठीक है, फिर भी मैंने जानबूझ के ये हंसी वाली फोटो डाल दी है ताकि इसको देख के आपको हंसी आ जाए, बोर मत होना। तो वो पैदा हुए थे न्यूयॉर्क में, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, फिर भी मैंने डाल दिया ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए। तो एमए और पीएचडी उन्होंने की थी प्रिंसटन से 1953 1955, देन वो प्रिंसटन और में उन्होंने पढ़ाया था एज अ प्रोफेसर, और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी उन्होंने पढ़ाया था बिफोर कमिंग टू MIT। MIT इज मैशफील्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे जाने से पहले ये प्रोफेसर थे। यू कैन स्किप दैट पार्ट अगर आपको बोरिंग लग रहा है, मेरा फर्ज है सब कुछ बताना तो इसलिए बता रही हूँ। ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ फुल प्रोफेसर इन 1965, एंड उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी थे। सो नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज नेम्ड द फोर्थ इंटरनेशनल प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन 1977। तो फोर्थ इंटरनेशनल प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में उनको उनको उनका नाम रखा गया था फोर्ड इंटरनेशनल प्रोफेसर, एंड ही वॉज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ MIT सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज। तो MIT सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज, जैसे रजनी कोठारी का पूछ लेते हैं कि CSDS सेंटर किसका है, तो वो रजनी कोठारी से रिलेट कर सकते हैं। तो हो सकता है इसमें भी ये पूछ सकता है, कभी इनका कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी पूछ लेंगे। तो MIT सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के डायरेक्टर आपको पता होना चाहिए मायरन मिरर, मतलब कि जो डॉक्टर साहब है वो MIT में काम करते हैं, आपका दोस्त MIT का है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं मायरन मिरर, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सुन लेना, कि ही इज वन ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुज प्रोफेशनल लाइफ एंड राइटिंग्स कंसिस्टेड ऑफ द वर्क ही डिड इन एंड ऑन इंडिया। तो इनका बहुत जो मेजर वर्क है वो इंडिया के ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया से बहुत जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर साहब है, जो आपका दोस्त है, वो आपके इंडिया से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो आई होप जो आप लोग वीडियो देख रहे होगे आप इंडिया से होगे, तो आप ऐसा मान के चलो कि आपके इंडिया के लिए बहुत काम रुडोल्फ एंड रुडोल्फ तो ने किया था, लेकिन साथ ही साथ मायरन मिनर जो कि डॉक्टर साहब, जो कि डॉक्टर आपका दोस्त है, उसने भी इंडिया के ऊपर बहुत काम किया है 1960s, और उनकी डेथ होती है 1999 में। सो इट वॉज हिज बुक बेस्ड ऑन PhD डेजर्टेशन। तो ये उनका जो ये था PhD डेजर्टेशन था, क्या नाम था उनके PhD डेजर्टेशन का, पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, सॉरी ऑफ दिल्ली का पॉल्यूशन, सॉरी फॉर दैट। सो पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, पब्लिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स इन इंडिया, ये इनकी PhD डेजर्टेशन था, और इसी डेजर्टेशन पे उन्होंने बुक पब्लिश करी, ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, फोटो भी लगा दिया है मैंने, दैट ब्रॉट हिम टू द नोटिस ऑफ स्कॉलर्स इन इंडिया एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इनका जो ये वर्क था USA एंड इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ। सो अब ट्रिक बता देती हूँ कैसे याद रखना है, कि जो आपका जो डॉक्टर साहब है ना, जो आपका दोस्त है, वो बहुत ना मतलब सिंपैथेटिक है, ठीक है, उसमें बहुत दयालु है, सिंपैथी है, किसको लेकर, गरीबों को लेकर। और उनको जब वो यहाँ पे आए थे उन्होंने चाइल्ड लेबर पॉवर्टी वगैरह भी देखा था, तो उन्होंने इसलिए उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी लिखा, कि देखो इंडिया में कितने जो रिसोर्सेज है वो कितने स्कार्स है, कितनी चीज़ों की कमी है इंडिया में, ठीक है। तो वो आपका दोस्त आपको स्कार्सिटी, मतलब आपको कोई दयालु दोस्त, आप याद रख लो कि आपका मायरन विनर जो है वो दयालु दोस्त है, ठीक है। या अगर आपको मायरन विनर याद नहीं होता तो आप ऐसे याद रख लो कि आपका कोई एम से किसी दोस्त का नाम रख लो, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कोई दोस्त है जिसका नाम एम से स्टार्ट होता है, तो ऐसा कोई दोस्त, जैसे माए, माए भी लिखा है इसमें ना, माए दोस्त, मतलब मायरन मतलब माए रन, ऐसे है ना, तो माए फ्रेंड, ठीक है, तो माए मतलब मेरा दोस्त, ऐसे करके कुछ। क्योंकि आपको मैं एम से इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि इसके बाद हम मॉरिस जॉन्स पढ़ेंगे, तो फिर आपको कि मैम मॉरिस जॉन्स भी तो एम से स्टार्ट होता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने मायरन में आपको माए बता दिया कि मेरा दोस्त है, माए फ्रेंड, ठीक है। तो
उसमें क्या हो गया, उस आपका जो दोस्त है बहुत दयालु है, उन्होंने स्कार्सिटी पे फोकस किया, पब्लिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स इन इंडिया, ये उनका पूरा थीसिस का या डिजर्टेशन का नाम था। तो अब इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी कभी ये सब टाइटल भी पूछ लेते हैं पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, क्योंकि बहुत बार ही पूछा गया है, तो पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी की जगह आपको पब्लिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स इन इंडिया करके भी पूछ लेंगे। तब भी याद रखना कि आपके दोस्त पे पब्लिक का बहुत प्रेशर था, और उसको एज अ, क्योंकि पब्लिक इतना प्रेशर डाल रही थी, तो पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, वो उस पर पूछ रही थी, भाई तुमने ऐसे क्या किया जो पब्लिक इतना प्रेशर डाल रही है, तो वो पॉलिटिक्स रिस्पॉन्स भी देता है उसको, ठीक है डॉक्टर साहब हमारे। तो ऐसा याद कर लो, बहुत इलॉजिकल ट्रिक है नो, बट कोई बात नहीं। अब जब बात करते हैं मायरन मिनर की, मायरन मिनर ने एंटिसिपेटेड मच ऑफ द डिबेट दैट लेटर इमर्ज इन इंडिया ओवर अफर्मेटिव एक्शन। तो उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन पे काफ़ी हद तक डिबेट भी की थी, कि जैसे आप रिजर्वेशन देते हो ना, अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, रिजर्वेशन देना एससी एसटी ओबीसी को, मतलब या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस या कुछ भी पीडब्ल्यूडी, तो जिनको जब हम रिजर्वेशन देना, इट्स अ जस्ट एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, मतलब ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स इक्वली इज रिलेटेड टू अफर्मेटिव एक्शन। अब ये कोट किसने बोला है आप कमेंट सेक्शन में बताना। पर्सनल लॉज के ऊपर, कि यहाँ के जो इंडिया के कुछ पर्सनल लॉज में जो उनको दिक्कतें दिखाई थी अफर्मेटिव एक्शन की वजह से, जो बाकी लोग सफ़र कर रहे थे जैसे जनरल कैटेगरी वाले, तो उनको कुछ उस पर, तो उस पर उन्होंने डिबेट किया। बाबरी मस्जिद वाला केस चल रहा था, उस पर भी उन्होंने एक हाईलाइट किया उस केस को भी, अलॉन्ग विथ रजनी कोठारी। तो जो आपके फ्रेंड है वो किसके फ्रेंड है, वो आप कोठारी के फ्रेंड है, मतलब रजनीकांत, रजनी कोठारी से हमने याद किया था रजनीकांत। तो जो आपका दोस्त है डॉक्टर दोस्त, वो रजनीकांत का दोस्त है। तो आप ऐसे मान के चलो कि आपका दोस्त कितना पॉपुलर होगा कि वो रजनीकांत को भी जानता है। देन बात करते हैं, ही ऑल्सो फाउंडेड द स्टडी ऑफ इंडियन इलेक्शंस। तो उसने पूरे के पूरे इंडियन इलेक्शंस पे भी स्टडी किया था। तो अब आप याद रख लो ये सारी चीज़ें, कि आपका दोस्त जो है वो डॉक्टर दोस्त, वो किस किस चीज़ों पे काम कर रहा था। बाबरी मस्जिद के इशू पे उसने मुद्दे पे बोला, अफर्मेटिव एक्शन पे बोला, आपके दोस्त पे इतना पब्लिक प्रेशर डाला गया, और लेकिन उसने फिर भी स्कार्सिटी के बारे में बात की, कि देखो कितनी कमी है इंडिया में, मतलब बुराई यहाँ बताई उसकी, स्कार्सिटी बताई। देन इंडियन इलेक्शंस को भी स्टडी किया, पर्सनल लॉज जो थे वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी घुसने की कोशिश कर रहा था ऐसे मान के चलो, तो पर्सनल लॉज, वैसे यहाँ पे पर्सनल लॉज का मतलब वो नहीं है, बट जस्ट अ ट्रिक। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या था? अब आप सोच रहे हो कि यार एरिया ऑफ इंटरेस्ट करके जान के क्या ही करना है, पर जब आपको असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आ जाते हैं ना, फिर आपको ये चीज़ें याद आती है कि काश मैंने पढ़ लिया होता कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है। तो मायरन मीनर जो हैं प्रोफेसर थे, मैंने आपको बताया, प्लस डॉक्टर भी थे। तो आपका दोस्त मल्टी टैलेंटेड है, डॉक्टर भी है और प्रोफेसर भी। तो ही वैसे कंसल्टेंट टू यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, मतलब यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट का काम करते थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कंसल्टेंट थे, वर्ल्ड बैंक में, एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, मतलब आप मान के चलो आपके साथ इतना अच्छा दोस्त है, आपके ऐसे बोलते हैं ना बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, तो वैसे वैन के चलो मायरन मीनर आपके दोस्त हैं, वो बड़े बड़े लोगों में से आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, हर जगह इन मतलब है इनका दबदबा। ही वॉज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑन फॉरन रिलेशंस में भी है, ठीक है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, मतलब आपको अगर कभी फॉरन जाने का मन करे तो आप अपने इस दोस्त को बोल सकते हो। देन अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, देन और वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं न्यू इंग्लैंड एसोसिएशन ऑफ एशियन स्टडीज़। तो ये एशियन स्टडीज़ वाला, और इससे पहले जो मैंने आपको एक और बताया था इनका इंटरनेशनल स्टडीज़, वो भी याद रखना। देन ये जो विनर है, ये अब कौन कौन से मुद्दों पे लिखते हैं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे दो याद नहीं हुए कोई बात नहीं, पर ये याद रखो कि उन्होंने किन किन चीज़ों पे वर्क किया था, क्योंकि आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी जब ऐसे आपके पास कोई कोट आ जाता है या आपके पास कोई स्टेटमेंट लिखी आ जाती है, और फिर वो पूछ लेता है कि ये किसने बोला है कोट, या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं अकॉर्डिंग टू मायरन मीनर। तो आपको ये याद रहेगा कि अच्छा उसने इस मुद्दे पे बात की थी, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकती है या ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन पे बात की थी, पॉलिटिकल डेमोग्राफी पे बात की थी, एथनिक कन्फ्लिक्ट। अभी अपने आपको दोस्त के साथ रिलेट करो, कि आपका दोस्त इतना सिंपैथेटिक है, इतना दयालु दोस्त है, कि वो सब सबके बारे में सोच रहा है, वो माइग्रेशन में से जो लोग आए हैं। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ भी बैठते होगे ना, तो एज अ स्कॉलर या एज अ स्टूडेंट आप इन सब मुद्दों पर डिस्कस करते होगे, तो ऐसे साथ में अपने सामने कोई दोस्त इमेजिन करो और सोचो कि हाँ मैं उसके साथ माइग्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, अपनी पॉलिटिकल डेमोग्राफी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, आपके आसपास कोई एथनिक कन्फ्लिक्ट हो गया तो आप अपने दोस्त को बता रहे हो, चाइल्ड लेबर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके दोस्त को और आपको भी बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन आप किसी को चाइल्ड लेबर करते हुए देखते हो तो आप उसकी हेल्प कर देते हो जाके, ठीक है।
और एज अ डॉक्टर वो दयालु तो होंगे ही, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर आप बात करते होगे अपने दोस्त के साथ, डेमोक्रेटाइजेशन, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, और वो एक्सपर्ट थे। किस में एक्सपर्ट है? डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, और किस में एक्सपर्ट है? इंडियन पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट है। तो अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए ना, तो आप सीधा अपने दोस्त के पास जाओ और बोलो भाई तू बता कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मायरन मीनर के पास जाओ और पूछो कि इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, तो आपको गूगल की भी ज़रूरत नहीं है, वो एक्सपर्ट है इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स के, एजुकेशन, एग्रीगेरियन और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, मतलब उनको एग्रीकल्चर के बारे में भी पता है, इंडस्ट्रीज के बारे में भी पता है, सारी पॉलिसीज सब कुछ। मतलब ये ऐसा मान लो ये ऐसा बंदा है कि यूपीएससी क्लियर करना चाहता होगा, इसलिए वो सारे मुद्दे पढ़ता है, ठीक है। तो आपका दोस्त यूपीएससी भी क्लियर करना चाहता है, इसलिए तो इतना डिटेल में सारे मुद्दे पढ़ रहा है इंडिया में। देन बात करते हैं माइनर वीनर, या जो डॉक्टर वीनर है हमारे, हैड बीन चेयरिंग द एक्सटर्नल रिसर्च एंड एडवाइजरी कमेटी। आई होप आपने ये ना फैक्ट्स पढ़े नहीं होंगे पहले कभी, या पढ़े भी होंगे, और पढ़े भी होंगे तो इस तरीके से तो नहीं पढ़े होंगे, आई कैन गारंटी, क्योंकि ये सिर्फ मेरी ट्रिक है, इस पर मेरा पेटेंट राइट है, मेरी मोनोपोली है, तो ये मैंने खुद बनाई है, किसी से नहीं चुराई नहीं है। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, एक्सटर्नल रिसर्च और एडवाइजरी कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये इन्होंने इसको भी, इस कमेटी को भी चेयर किया था, ठीक है। क्योंकि वो माइग्रेशन की बात करते हैं, तो रिफ्यूजी वाली कमेटी में भी वो कहीं ना कहीं उसके चेयरमैन थे। किसमें? एक्सटर्नल रिसर्च एंड एडवाइजरी कमेटी ऑफ द यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी सिंस 1996। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, पता है मुझे, आप भी ये सोच रहे हो कि क्या ही पढ़ा रहे हो, पर आपको इससे एक आइडिया तो हो गया ना कि ऐसा कुछ स्टेटमेंट में अगर हमें ऐसे कुछ कीवर्ड्स दिखते हैं, तो हमें माइरन मीनर को ध्यान में रखना है, अपने दोस्त को ध्यान में रखना है। देन थ्री प्रोजेक्ट्स, तो थ्री प्रोजेक्ट्स में पहले तीन प्रोजेक्ट्स वो अपनी डेथ से पहले लिखते हैं। अब आपको प्रोजेक्ट दिख नहीं रहे होंगे, भाई आपकी आंखें खराब नहीं हुई हैं, मैंने इसको हाइड कर रखा है, अभी बताती हूँ। तो पहला प्रोजेक्ट है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट उन्होंने किस पे किया, उन्होंने पॉलिसीज एग्जामिन की टुवर्ड इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज, इलीगल माइग्रेशन एंड सिटीजनशिप इन जापान, जर्मनी, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका। आप कहोगे मैम इतना सारे नाम याद कैसे होंगे, तीन ही तो नाम है, चार, जापान, जर्मनी, यूएस और साउथ अफ्रीका, ठीक है। आपके डॉक्टर साहब को चार कंट्रियाँ घूमना पसंद था, और उन्होंने यहाँ यहाँ पे इन मुद्दों पे ये पॉलिसीज एग्जामिन की, मतलब तो कौन कौन सी पॉलिसीज पे उन्होंने काम किया। तो पहले वो जापान जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, यूएसए जाते हैं और साउथ अफ्रीका में भी जाते हैं, मंडेला से मिलने जाते हैं या बुमावा से मिलने जाते हैं, वो जो क्रिकेट में आजकल साउथ अफ्रीका में जो कैप्टन है उनसे मिलने जाते हैं। यूएसए में वो किससे मिलने जाएंगे, किसी से भी मिलने जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सो बाइडन से मिलने गए जैसे पीएम है। तो आप ऐसे याद रखो कि जो आपका डॉक्टर दोस्त है ना, वो आपको बोलता है कि विशाली चल मैं ना मिलने जा रहा हूँ, मैं पहले सबसे पहले ओबामा से मिलने जाऊँगा साउथ अफ्रीका में, देन जो बाइडन से मिलने जाऊँगा, देन जापान में शिंजो आबे से मिलकर आऊँगा, बहुत सुना है उसके बारे में, पीएम मोदी से वो मिला था, और जर्मनी में सोच रहा हूँ हिटलर से मिलकर आऊँ। अब बोलोगे हिटलर तो मर गया, लेकिन हम तो ट्रिक याद कर रहे हैं ना। तो ऐसा मेरे दोस्त ने मुझे बोला, किसने? मायरन मीनर ने, माई फ्रेंड, मायरन यानी कि माई फ्रेंड। सो ही, और फिर वहाँ पे जाके उसने क्या देखा, उसने वहाँ पे पॉलिसीज पढ़ी इन सब एरिया की, और उसने कौन कौन सी पॉलिसीज को एग्जामिन किया, इमिग्रेशन, रिफ्यूजी, इलीगल माइग्रेशन और सिटीजनशिप, ठीक है। देन सेकेंड, एनालाइजिंग कंडीशन विद जनरल, तो पहला प्रोजेक्ट ये हो गया उसका। फिर वो बोलता है आपका दोस्त कि चलो सेकेंड प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, अब मैं इन सब जगहों से होके आ गया, अब मेरा सेकेंड मुद्दा है कि चल हम साथ में मिलके ना क्या करते हैं, ऐसी कंडीशंस को एनालाइज करते हैं जिसकी वजह से माइग्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहे हैं। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री में माइग्रेशन और रिफ्यूजी फ्लोस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और हमारी कंट्री में ऐसा क्या, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, वो एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट किस में थे, इंडियन पॉलिटिक्स में, तो वो इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे सुधारा जाए ये सभी देखते रहेंगे ना। तो वो बोलते हैं कि चल देखते हैं कि कैसे पॉलिसीज जो है, जो अवेलेबल है हमारी कंट्री में, और उससे हम कैसे रिफ्यूजी प्रॉब्लम और माइग्रेशन प्रॉब्लम को सुधार सकते हैं। तो उसके हम कंडीशंस पता करके आते हैं, एंड द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल टू रिसीविंग कंट्रीज, ठीक है, एंड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू अमेलिएट दिस कंडीशन। अमेलिएट का मतलब होता है इम्प्रूव, कि इन कंडीशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो एक अच्छा रिसर्चर, अच्छा स्कॉलर, ठीक है, वही होता है, सिर्फ जो एक होता है ना, सिर्फ देखना नहीं। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, ठीक है, आप, मैंने आपको बोला ना आपका दोस्त यूपीएससी एस्पिरेंट है, तभी तो इतना डेप्थ में सब कुछ पढ़ रहा है। तो सिर्फ एक यूपीएससी एस्पिरेंट का काम नहीं होता कि मुद्दों को पता कर लो, हो गया खत्म, अच्छा ये इसका ये कारण है, ये कंडीशन है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पर भाई उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए भी तो कुछ करना है। तो वही तो एक अच्छा रिसर्चर, एक अच्छा एक्सपर्ट, एक अच्छा दोस्त माना जाएगा आपका, एक अच्छा डॉक्टर माना जाएगा। तो
ये हो गया एमेलोरेट मतलब इम्प्रूव। तो हम देखेंगे कि कैसे पॉलिसीज़ जो आपकी कंट्रीज़ में कौन सी पॉलिसीज़ है, प्लस ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी देखेंगे और फिर उन कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी काम करेंगे। ये उनका था सेकेंड प्रोजेक्ट। थर्ड प्रोजेक्ट में वो बोलते हैं चाइल्ड लेबर। मैंने आपको बोला ना आपके दोस्त को बच्चे बहुत पसंद है भाई, तो वो बच्चों के लिए मतलब उसको बच्चों को काम करते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो बाहर से आता है चाइल्ड लेबर देखता है। क्योंकि मैरन मिनर ने अपनी जब जहाँ से वो आए थे उन्होंने वहाँ पे तो चाइल्ड लेबर नहीं देखा था यूएसए वगैरह में, लेकिन उन्होंने इंडिया में आके चाइल्ड लेबर देखा तो उनको बहुत बुरा लगा। और यहाँ की एजुकेशनल पॉलिसी को भी देखा उन्होंने कि यहाँ पे एजुकेशन नहीं मिलती बेचारे लोअर क्लास वगैरह को, ठीक है, जो भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी इंडिया में एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, नॉट ओनली इंडिया, प्लस अगर आपको किसी कोर्ट में डेवलपिंग कंट्रीज की भी बात हो कि इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में वो रिसर्च करते हैं तो येस, ठीक है, येस ही होगा इसका आंसर। सिर्फ इंडिया में नहीं किया था उन्होंने, बाकी कंट्रीज में भी चाइल्ड लेबर एजुकेशन पॉलिसी, बस जस्ट बिकॉज वी आर इंडियंस एंड यूजीसी नेट के लोग भी इंडियन हैं तो हम वो इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा पूछ सकते हैं। चलो अब इसके मेजर वर्क, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो। इससे पहले आपको लगा कि मैम ज़्यादा ट्रिक तो पढ़ाए नहीं थी, बस ऐसे डॉक्टर दोस्त कर रही हैं। चलो मैं आपको पता है ना मैं आपको बुक्स ट्रिक्स से याद कराती हूँ, क्योंकि बुक्स इज द मेन चीज़ें जो बहुत मुश्किल होती है काफ़ी बच्चों के लिए याद करना। तो पहली बुक है पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो जो मेरा फ्रेंड है ना, मैं अपना स्टोरी बता रही हूँ, रियल लाइफ स्टोरी। तो मेरा फ्रेंड है ना वो अपनी खुद की पार्टी बनाना चाहता है, ठीक है, एंड उसको क्या बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, ठीक है। सो मैं हमेशा उससे याद करती हूँ कि मैरन मिनर है ना वो मेरे उस दोस्त की तरह है जो कि पीएम बनना चाहता है या फिर वो खुद की पार्टी बनाना चाहता है। तो वो पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया द डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी पार्टी सिस्टम, प्लस हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आई होप जो ये वीडियो देख रहे हो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, ऑब्वियसली होंगे। तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मेन पर्पस होगा कि आज मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर लूँ। और पॉलिटिकल साइंस वाले ज़्यादातर ABVP, NSUI, RSS इन सब में ज्वाइन होते ही हैं, कहीं ना कहीं अपना ऐसे घुस जाते हैं कि हम पॉलिटिक्स से जुड़े रहें। तो पॉलिटिक्स वाले बनने हैं भाई, तो पार्टी सिस्टम तो बनाएंगे, और आपका दोस्त होगा वो भी पॉलिटिक्स से ही बिलोंग करता होगा ना, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के हो। तो ये तो मैंने आपको चलो रियल लाइफ बता दिया, कोई बात नहीं। तो पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया द डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी पार्टी सिस्टम, ये किसकी है, मायरन मिनर की है। और मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों, क्योंकि आपको पता है इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो वो इसलिए लिखेंगे। देन पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, पब्लिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स इन इंडिया, इसकी ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो स्कार्सिटी के बारे में बात करते हैं, बहुत दयालु हैं तो उनको कमियाँ दिखती हैं, स्कार्सिटी दिखती है, पब्लिक उसको प्रेशराइज भी करती है। देन पॉलिटिकल पार्टीज इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये लिखी थी उन्होंने ला पालमबोरा एंड बीनर ने साथ में लिखी थी, मतलब बीनर वॉज द मेन ऑथर, मायरन मिनर हमारे, लेकिन मैंने आपको ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी पढ़ाया था अपने चैनल पे लर्निंग मंत्रा पे, ये तो दूसरा चैनल है, तो लर्निंग मंत्रा .vv मेरा खुद का चैनल है, उसमें मैंने आपको बहुत सारी बुक्स ट्रिक्स के साथ याद करवा रखी हैं। मतलब आप मेरे शॉर्ट्स के सेक्शन में जाओगे ना तो आपको सिर्फ एक मिनट के अंदर अंदर बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी जो मैंने ट्रिक्स से याद कराई है ना, रेंडो हो गया, कार्ल मार्क्स, हीगल, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें, इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ थिंकर हैं, रेंसिस लिकार्ट हैं, ठीक है, और इवन जो लिबरलिज्म के थिंकर्स हैं उसके क्लासिकल लिबरलिज्म में कौन कौन थिंकर्स आते हैं उसको हम कैसे याद रखेंगे, ग्रीन कलर की लस्सी क्या है, आपने पहली बार सुना होगा लस्सी ग्रीन कलर की, तो ये कौन से थिंकर्स हैं, तो ये सब बहुत अच्छे से मैंने आपको सिस्टमेटिक याद कराया है, प्लस पूरा का पूरा लेक्चर ले रखे हैं ट्रिक्स के ऊपर, तो उनसे आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी और मेरी गारंटी है उनमें से कम आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे चैनल का, उसको जाओ, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और वहाँ से आप ट्रिक्स वगैरह पढ़ लेना। चलो और ये बहुत हो गया मेरा प्रमोशन, बात करते हैं आज की वीडियो की, तो सर बोलेंगे कि अपना प्रमोशन करती रहती है। सो पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ला पालमबोरा, तो ला आलम पर मुझे लगता था कि कोई लड़की होगी, लेकिन फिर मुझे पता चला अच्छा नहीं है, तो एडल्ट मतलब मेल है। तो इन दोनों ने मिलकर साथ में ये लिखी थी पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और इसके बारे में मैं आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लेक्चर सीरीज में भी बता चुकी हूँ जिसमें मैंने थिंकर्स के ऊपर क्लास ली थी और वो यूनिक थिंकर्स थे। तो ये हो गया, तो मैंने आपको बोला ना वो पार्टी बनाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर देखो पार्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी बिल्डिंग, ज़्यादातर ऐसी बुक्स जो हैं आपके फ्रेंड की, आपके डॉक्टर फ्रेंड की ही हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी खुद की पार्टी बनाना चाहते हैं, खुद की पार्टी बनाएंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी लाना चाहेंगे और फिर वो पार्टी पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन होना चाहते हैं, स्कार्सिटी की भी बात करते हैं। तो और पार्टी बिल्डिंग इन अ न्यू नेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पूरी बुक थी। फिर स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, अच्छा
जिन्होंने मास्टर्स की कर रखी है पॉलिटिकल साइंस में, उनको उनके पास एक सब्जेक्ट होगा ये वाला, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। किसके पास था कमेंट करना, आपके पास नहीं भी था, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था वैसे तो, है ना, लेकिन आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा आपका, या फिर आपका कोई फ्रेंड तो पक्का होगा जो इसने ये सब्जेक्ट लिया होगा, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब आप मान के चलो जो मायरन मीनर है, जो आपके दोस्त हैं, उन्होंने ये सब्जेक्ट ले रखा है, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया उन्होंने सब्जेक्ट ले रखा है। इनफैक्ट ये सब्जेक्ट मेरे पास भी था, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैंने मास्टर्स की थी तो बहुत अच्छे से पढ़ा था ये सब्जेक्ट। तो मैंने ऐसे याद किया था कि जो मेरे पास स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया है और मेरे दोस्त के पास भी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया है, तो उसकी बुक यही है, ठीक है, प्लस फिर चाइल्ड इन द स्टेट इन इंडिया। अब मैंने आपको क्या बोला, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड, उनको बच्चे बहुत पसंद है, तो ये ज़्यादातर बुक उन्होंने चाइल्ड के ऊपर लिखी, चाइल्ड इन द स्टेट इन इंडिया, चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशनल पॉलिसी। देन इंटरनेशनल माइग्रेशन और सिक्योरिटी पढ़ चुके हैं कि उन्होंने माइग्रेशन के ऊपर बहुत बहुत काम किया था, रिफ्यूजीज के ऊपर, देन न्यू जियो पॉलिटिक्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड इट्स बॉर्डर लैंड्स। तो ये कुछ नई बुक दिखी जो आपको याद रखनी है कि सेंट्रल एशिया और उसके बॉर्डर लैंड्स पे भी उन्होंने काम किया था और उन्होंने न्यू जियो पॉलिटिक्स की बात की थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं बहुत थक गया, बस जापान वगैरह वो घूम के आया ना, साउथ अफ्रीका, जापान, जर्मनी, यूएस, तो उन्होंने बोला चलो अब मैं सेंट्रल एशिया घूमता हूँ और आसपास के बॉर्डर की स्टडी करता हूँ, वो आपको आके ये बताते हैं। तो आपको याद रखना है कि वो आपका दोस्त बॉर्डर पे भी जाना चाहता था और नई नई चीज़ें समझना चाहता था। ऐसे लोग ना टिकते नहीं है वैसे, उनको सब कुछ एक्सप्लोर करना होता है, तो न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती है। नेक्स्ट इज स्टेट एंड द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। अब आप बोलोगे मैम ये PYQ में तो कभी आई नहीं है, भैया आ भी सकती है ना, आजकल तो नए थिंकर्स पूछ रहे हैं। तो स्टेट एंड द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान, कि वो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान पे जाना चाहते थे। देन ग्लोबल माइग्रेशन क्राइसिस भी उन्हीं का है, चैलेंजेस टू स्टेट एंड टू ह्यूमन राइट्स। अच्छा आपने क्राइसिस पढ़े होंगे, 3 टाइप्स ऑफ क्राइसिस, हिस्टोरिकल क्राइसिस, लेजिटिमेसी क्राइसिस और पेनिट्रेशन क्राइसिस, वो उन्होंने इसी बुक में दिए थे। तो वो क्योंकि मैंने आपको बोला ना आपके दोस्त बहुत दयालु हैं, वो हर चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, तो उनको दिखता है यार यहाँ पे इंडिया में तो कितने क्राइसिस है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, मतलब ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड कितने क्राइसिस हो रहे हैं। और यहाँ पे चलो क्राइसिस यहाँ पे याद रहे तो आपको ये तो पता है उन्होंने माइग्रेशन पे काम किया, वो माइग्रेशन रिफ्यूजी हमेशा आपको इसी बात से बोर करते रहते हैं, हमारे रेनविनर आपके दोस्त हमेशा इसी बात से बोर करते रहते हैं आपको। तो ग्लोबल माइग्रेशन क्राइसिस, चैलेंज टू स्टेट एंड द ह्यूमन राइट्स, देन थ्रेटन पीपल, थ्रेटन बॉर्डर्स, वर्ल्ड माइग्रेशन एंड US पॉलिसी, ठीक है। इन्होंने ये W Norton के साथ लिखी थी, तो ये भी याद रखना क्योंकि आजकल एडिटर भी पूछने लग गए हैं, तो नॉर्टन के साथ मिलकर उन्होंने ये बुक लिखी थी। एंड फिर से अगैन माइग्रेशन आ रहा है, बॉर्डर वर्ड आ रहा है, तो माइग्रेशन तो आप दिमाग में बिठा ही लो, माइग्रेशन से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड, पार्टीज, स्टेट पॉलिटिक्स, सब कुछ आपके मायरन मीनर कर रहे हैं। बॉर्डर पे भी जाना चाहते हैं वो, थ्रेटन बॉर्डर्स, थ्रेटन पीपल्स, ठीक है, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं, तो वो सोचते हैं यार लोगों को जो बॉर्डर पे वहाँ पे कितने वो सहन करना पड़ रहा होगा, वो कितने थ्रेट में जी रहे होंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड, ये आपका दिक्कत, डॉक्टर साहब खुश खुश बैठे हैं। तो 1963 में उन्होंने दो तरीके के पॉलिटिकल कल्चर की बात की, उन्होंने बोला कि एक एलीट कल्चर होता है और एक मास कल्चर होता है। अब आप सोचो आप चाय पे बैठे हो अपने दोस्त के साथ और आप बातें कर रहे हो कि यार हमारी कंट्री में तो ना एलीट कल्चर भी है, एलीट कल्चर कैसे है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग एक के पास ही पावर है, ठीक है, जो एलीट लोग हैं, हम टाटा अंबानी, अदानी, ठीक है, इनके पास ज़्यादातर पावर है। फिर आप बोलते हो कि नहीं यार, फिर दूसरा दोस्त बोलता है कि नहीं यार मास कल्चर भी तो है, मास कल्चर यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे प्रेम्बल में लिखा ही हुआ है, ठीक है, और लोगों के हाथ में भी तो पावर है, अगर वो वोट देने नहीं आएंगे तो सरकार चेंज कैसे होगी, और सरकार वो खुद चेंज कर सकते हैं, तो मास कल्चर भी है। तो वो बोलते हैं कि मास कल्चर ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं, एलीट कल्चर में मॉडर्न एलिमेंट्स है, कस्टम्स है, पॉलिटिकल इकोनॉमी जैसे आइडियाज हैं, ठीक है, तो ये सारे एलीट कल्चर की बात है। लेकिन रुको रुको रुको, यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ। अब ये था, चलो ये लाइन रह गई थी कि बोथ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनलिज्म पेनिट्रेटिंग इन बोथ व्यूज, ठीक है, मतलब कि अगर मान लो इसमें 60% मॉडर्न एलिमेंट्स हैं तो 40% एलीट कल्चर में ट्रेडिशनल एलिमेंट्स भी होंगे, और मास कल्चर में 60% ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं तो 40% मॉडर्न एलिमेंट्स भी होंगे। तो मतलब ये जो आपको ऐसा नहीं मानना कि मास कल्चर मतलब ट्रेडिशनल और एलीट कल्चर मतलब मॉडर्न, ठीक है, कि जो एलीट लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, वो मॉडर्निटी को ज़्यादा फेवर करते हैं, ऐसे मान के चलो कि आपने देखा होगा ना जो रिच लोग होते हैं वो ज़्यादा मॉडर्न होते हैं, तो ऐसे मैं ट्रिक बता रही हूँ यहाँ पे, वो वैसा वाला मॉडर्न तो है नहीं ये दूसरे तरह, ये यहाँ पे मॉडर्निटी का मतलब कुछ और है वैसे, बट जस्ट अ ट्रिक। तो एलिट कल्चर में मॉडर्न एलिमेंट्स और मास कल्चर में ट्रेडिशनल एलिमेंट्स का
जो रेशियो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन वो बोलते हैं कि दोनों में ही ट्रेडिशनल और मॉडर्न एलिमेंट्स दोनों में ही एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे वो इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं कि जो इंडिया है उस वहाँ पे एलिट कल्चर भी है और मास कल्चर भी है, और दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं उनके कॉन्सेप्ट चाइल्ड लेबर की। जैसे मैंने आपको बताया उनको बहुत बच्चे पसंद है, और उनकी बुक थी द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया। अच्छा, इसके बारे में पढ़ने से पहले मेरे को अभी याद आया, सन्स ऑफ द सॉइल भी इन्हीं की बुक है। ठीक है, तो ये बहुत ज़मीन से जुड़े हुए आदमी है, आपके जो डॉक्टर फ्रेंड है वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए आदमी है, तो आपको सन्स ऑफ द सॉइल भी उनकी बुक याद रखनी है। आई गेस मैंने पिछली स्लाइड में डाला नहीं है, तो ये भी याद रखना है, बहुत बारी PYQ में पूछी गई है। ठीक है, सो दिस, तो वो चैलेंज करते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को। क्यों चैलेंज करते हैं? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बोलती है कि अगर किसी भी डेवलपिंग कंट्री को, जैसे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को अगर मॉडर्नाइज होना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए नेसेसरी है एक्सटिंक्शन ऑफ रिलीजियस कास्ट लिंग्विस्टिक एंड ट्राइबल आइडेंटिटीज़। मतलब इन सब का खत्म होना ज़रूरी है, जो रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, और ये जो ट्राइबल आइडेंटिटीज़ है उन सब का एक्सटिंक्ट होना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? डेवलपिंग कंट्रीज़ को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो ये जो चीज़ है इस चीज़ के वो खिलाफ बोलते हैं, वो कहते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए वो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को चैलेंज करते हैं। तो आपके जो माइनर मिनर हैं, मान के चलो कि वो मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ है, वो गांधी के बहुत बड़े भक्त हैं, और वो गांधी की तरह वो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। और सन्स ऑफ द सॉइल भी याद रखना, ओके। ही क्रिटिसाइज द परसीव्ड बिलीफ दैट द चाइल्ड लेबर वुड ऑटोमेटिकली डिसअपियर एंड प्राइमरी एजुकेशन बिकम यूनिवर्सल व्हेन पुअर कंट्रीज बिकम रिचर। तो वो बोलते हैं कि जो ये लोग बोलते हैं कि अगर जो पुअर कंट्रीज़ हैं अगर वो रिच हो जाएं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो पावर्टी है या जो चाइल्ड लेबर है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो प्राइमरी एजुकेशन है वो यूनिवर्सल, मतलब प्राइमरी एजुकेशन जो है सबको मिलेगी। ठीक है, प्रसाद है भाई, कोई सबको मिलेगा, पर प्रसाद की तरह ही होनी चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में भी है ना, 14 ईयर्स तक प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है, तो वैसे वो बोलते हैं कि अगर गरीब कंट्री को अमीर बना दिया जाए तो सबसे अच्छी बात वहाँ पे क्या होगी, चाइल्ड लेबर को और प्राइमरी एजुकेशन जो है यूनिवर्सल हो जाएगी। ऐसा कुछ लोगों का मानना था, वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता कि अगर तुमने गरीब को अमीर बना दिया तो वहाँ पे सबको एजुकेशन मिलने लग जाएगी और जो चाइल्ड लेबर है ख़त्म हो जाएगा। बजाय इसके वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ही शोर दैट मोस्ट सोसाइटीज इन द वेस्ट एज वेल एज ईस्टर्न एशिया अबॉलिश चाइल्ड लेबर बिफोर द एंड मास पॉवर्टी। तो वो बोलते हैं कि वह अपने इस चीज़ को ना जस्टिफाई करते हैं, कह रहा है मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, तुम्हारा दोस्त है भाई, एक्सपर्ट है, हवा में तो बातें नहीं करेगा, तो वो तुमसे डिबेट कर रहा है, कह रहा है कि मेरे पास एग्जाम्पल भी है, चाहे तो बताऊं कि वेस्ट एशिया और एज वेल एज ईस्टर्न एशिया में क्या हुआ था, चाइल्ड लेबर ख़त्म हो चुका था जबकि वहाँ पे पावर्टी ख़त्म नहीं हुई थी। तो जो ये तुम बोल रहे हो ना कि गरीबी ख़त्म कर दो तो चाइल्ड लेबर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चाइल्ड लेबर ख़त्म हो सकता है और गरीबी फिर भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो मास पावर्टी ख़त्म होने से पहले हमें चाइल्ड लेबर ख़त्म करना पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि यार अब गरीबी ख़त्म करना आपको क्या लगता है इतना आसान है, जो हमारा सस्टेनेबल गोल है, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं एंड पावर्टी, तो वो इतना आसान है क्या? नहीं, लेकिन एंड पावर्टी को, पूरी गरीबी को ख़त्म करने से ज़्यादा थोड़ा सा आसान है कि चाइल्ड लेबर को ख़त्म किया जाए। ठीक है, देन लेकिन वो बोलते हैं इंडिया में जो ग्रेटर ऑब्स्टेकल है कि जो चाइल्ड लेबर है वो इंडिया में ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा, सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है उस चीज़ में, तो वो बोलते हैं कि विनर फंड इज दैट मोस्ट, फंड नहीं आएगा यहाँ पे, फाउंड आना था, FOUND, फाउंड, कि उसने ये पाया कि मोस्ट चिल्ड्रन इन इंडियाज लेबर फोर्स कम फ्रॉम द लोअर कास्ट। तो इंडिया में अगर हम देखें ना, तो ज़्यादातर जो चाइल्ड लेबर है ना वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है। ठीक है, ज़्यादातर चाइल्ड लेबर किससे बिलोंग करते हैं? लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, और जो अपर कास्ट वाले हैं वो एजुकेशन को कंसिडर ही नहीं करते, जो कि ज़रूरी है मीनियल टास्क के लिए। हमारे जगह पे क्या होता है, ऐसे मैरियन में बोलते हैं कि मेरी, जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, या मेरे ज़माने में ऐसा होता था कि जो अपर कास्ट एलीट के पास अगर आपको काम भी करना है ना, तो आपकी एजुकेशन पूछी जाती थी। वो इवन अपने नौकर वगैरह को भी अपॉइंट करने के लिए, या अपने इंडस्ट्री में किसी को अपॉइंट भी कर रहे हैं, तो उससे पहले वो उससे उसकी एजुकेशन पूछते थे। लेकिन इंडिया में उन्होंने क्या देखा कि किसी को कुछ पढ़ी ही नहीं है, कि जो लोग अनएजुकेटेड हैं उनको भी काम मिल रहा है, तो जब अनएजुकेटेड लोगों को भी काम मिल रहा है तो फिर वो एजुकेशन के बारे में सोचते नहीं है। अगर आप एजुकेशन को एज अ क्राइटेरिया बना दो कि अगर हाँ भाई, चाहे तुम्हें छोटा से छोटा काम क्यों नहीं करना हो, चाहे आपको ईंटें उठाने का काम करना है, ठीक है, चाहे आपको किसी इंडस्ट्री में कोई भी मशीन चलाने का काम करना है, तो उसके लिए अगर ये अपर क्लास वाले हैं ना वो एजुकेशन कंपलसरी कर दें, तो ये जो लोअर क्लास वाले हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे, वरना लोअर क्लास वाले तो अपने बच्चों को पढ़ने भेजते ही नहीं हैं। ये सोच के
कि यार क्या ही करेगा पढ़ लिख के, काम तो इसको वैसे भी मिल ही जाएगा, किसी की चाय की टपरी पे काम कर लेगा या कहीं और काम कर लेगा, तो इससे बेटर है हम इसको एजुकेशन ना दें, चाहे वो एजुकेशन फ्री में मिल रही हो ठीक है, लेकिन वो फिर भी नहीं भेजेंगे अपने वहाँ पे काम करने के लिए, कि मतलब एजुकेशन की, इससे अच्छा स्कूल जाएगा, इससे अच्छा कहीं दो पैसे कमा लेगा कहीं और जाके। तो उन्होंने वो बोलते हैं कि जब तक ये अपर क्लास एलीट एजुकेशन को कंपलसरी नहीं करेंगे ना, चाहे छोटे से छोटे काम के लिए, तब तक ये जो लोअर क्लास है वो अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजेंगे और चाइल्ड लेबर का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो कितना थॉटफुल है ना ये बात, है ना, है कि नहीं, आपने सोचा कभी इस तरीके से, कितने अच्छी बात बोली है उन्होंने। सो इसलिए वो बोलते हैं कि ऐसा इंडिया में होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा तो चाइल्ड लेबर खत्म नहीं हो सकता। सो बात करते हैं पार्टी सिस्टम की। पार्टी सिस्टम आपने पता ही है, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया आपने पढ़ी हुई है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपका जो दोस्त है वो पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, तो इसमें वो सबसे पहले वो बोलते हैं कि जो हम वो आए थे कांग्रेस पार्टी के टाइम पे, पहले याद बता रही हूँ, ये ना कांग्रेस पार्टी के टाइम पे आए थे, और वो बोलते हैं कि जब उन्होंने वो सिस्टम देखा ना, तो उनको ये नहीं लगा कि जो वन यहाँ पे जो वन पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो किसी डिक्टेटरशिप पे या किसी कोहरेशन पे बेस्ड है। वो बोलते हैं बल्कि जो वन पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम मैंने यहाँ पे देखा वो कंसेंट के बेसिस पे है, ठीक है, कि जो कांग्रेस पार्टी का कोई इफेक्टिव राइवल नहीं है। ऐसा नहीं लिखा कि कोई भी राइवल नहीं था उस टाइम पे, थे छोटी छोटी पार्टीज लेकिन कोई इफेक्टिव नहीं था जो उसको टक्कर दे सके। तो बोलते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने अपना लिया ना सपोर्ट, वो कंसेंट के बेसिस पे लोगों ने अपनी मर्जी से दिया, ना कि उन्होंने किसी को फोर्स किया, तो कोएर्शन नहीं था, कंसेंट था। तो कभी कभी ये पूछा जाए कि वन पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात किसने की है, तो मायरन मीना ने की है, ठीक है, एक वन पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम पूछा जाए तो रजनी कोठारी, लेकिन वन पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम तो मायरन मीनर, ठीक है। अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में बोलते हैं, वीनर स्टेटेड दैट डिस्पाइट ऑफ यूनिवर्सल सफरेज हैज़ बिन इंट्रोड्यूस, कि यहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज इंट्रोड्यूस कर चुकी है इंडिया, बट इंटरेस्ट ग्रुप्स आर फेल टू ऑर्गेनाइज, लेकिन फिर भी जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे राइट टू वोट आ चुका है, लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप्स अभी तक अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए हैं। डॉक्टर वीनर बोलते हैं दैट ओनली द कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंट्स द मिक्सचर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स, ठीक है, लेकिन इकलौती कांग्रेस पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, जो सबके इंटरेस्ट पे फोकस करती है, एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन वेस्टर्न कंट्रीज टू। और इसको वो कंपेयर करते हैं, वेस्टर्न जो कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वैसे ही इंडिया में कांग्रेस पार्टी भी है जो कि सबके इंटरेस्ट को लेकर चल रही है। और वो बोलते हैं कि जो बाकी पार्टीज हैं इंडिया में, अदर पार्टीज इन इंडिया रिप्रेजेंट आइदर अ सिंगल इंटरेस्ट और दे आर इंगेज इन आइडियोलॉजी, ठीक है, जो दूसरी पार्टीज है ना इंडिया में वो किसी सिर्फ एक मुद्दे को लेकर चलती है, लेकिन कांग्रेस इकलौती पार्टी है जो सबको लेकर चलती है, बाकी पार्टीज जो है सिर्फ एक आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, कोई सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है, तो कोई सिर्फ कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहा है, कोई सिर्फ कैपिटलिज्म की बात कर रहा है, मतलब एक ही मुद्दे को लेकर, एंड मेक टोटल डिमांड सच एज सोशलाइजेशन और हिंदू नेशन, ठीक है, वो ऐसे दूसरे कॉन्टेक्स्ट की पार्टीज के लिए बोल रहे हैं कि दूसरी पार्टीज जो उनकी डिमांड्स होती है या तो सोशलाइजेशन की या उनकी आइडियोलॉजी में हिंदू नेशन डिपिक्ट करता है, लेकिन कांग्रेस में सब मुस्लिम सिख ईसाई हर जगह के लोग देखे जाते हैं। अब जो मायरन मीनर थे उन्होंने इस बुक जो थी पार्टी बिल्डिंग इन अ न्यू नेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें उन्होंने दो चीज़ें बताई थी कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसके सक्सेस के क्या कारण थे, दूसरा उनके उसके डिक्लाइन के क्या कारण थे। तो पहले उन्होंने बोला है जो कांग्रेस पार्टी थी वो सक्सेसफुल हुई ड्यू टू द कमिटमेंट टू द इंटरनल इलेक्शंस, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी वो अपने इंटरनल इलेक्शंस को लेकर बहुत कमिटेड थी। दूसरा वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना जानती थी विद इन द पार्टी, कि पार्टी के अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो मैनेज कर लेते थे, अगर कुछ लोग होते भी थे ना पार्टी के अंदर जो उनको पसंद नहीं आता था कोई डिसीजन, तो उसमें भी वो जैसे तैसे उनको मना लेते थे या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, प्लस दे आर प्रगमेटिक, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे वो लोकल पावर स्ट्रक्चर्स के साथ भी, तो ऐसा वो कुछ ब्लंट नहीं होते थे कि भाई हम जो बोल दिया वो हो गया, तो उनको वो बहुत प्रगमेटिक भी थी कांग्रेस पार्टी और कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी थी लोकल पावर स्ट्रक्चर के साथ। तो ये तीन कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो थी सक्सेसफुल हो पाई और वन पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम आ पाया। देन इसी में वो बाद में लिखते हैं कि डिक्लाइन के क्या कारण थे, तो डिक्लाइन के लिए वो बोलते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी जो थी उनकी एरोड हो चुकी थी, इंटरनल यानी कि क्या विद इन द पार्टी, जैसे कांग्रेस दो फेजेस में बढ़ गई थी ना मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट वाले, तो वो चीज़ की वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन वो पर्सनैलिटीज़ पे हद से ज़्यादा रिलायंस होने लग गया था उनका, मतलब डिपेंडेंसी होने लग गई थी, रिलायंस यहाँ पे कोई आपकी सिम की बात नहीं हो रही है, रिलायंस यहाँ पे डिपेंडेंसी कि आप जो पार्टी का मेन लीडर है चाहे वो नेहरू है इंदिरा गांधी है उस पर ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड होने लग गए थे रैदर देन द पार्टी, और सॉरी रैदर देन द मेम्बर्स ऑफ द पार्टी।
देन डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाता है कांग्रेस का, दैट्स वाई दे डिक्लाइन। सो ये चार कारण आप याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे। थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस उन्होंने बताए, और ये वाली जो बुक थी आपने पढ़ी होगी मायरन विनर की, द ग्लोबल माइग्रेशन क्राइसिस चैलेंजेस टू द स्टेट्स एंड इन ह्यूमन राइट्स। ये मैंने आपको बोला ना कि वो माइग्रेशन की बात करता रहता है आपका दोस्त, तो ये वो बुक है। तो इसमें वो तीन तरीके के क्राइसिस बताते हैं, एक हिस्टोरिकल क्राइसिस कि हमारी जो हिस्ट्री है, जो इंडिया की हिस्ट्री है, उसी में कुछ कमी है जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर और ये पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरा लेजिटिमेसी क्राइसिस की लॉ सही से नहीं बने हुए, इसलिए स्कार्सिटी है, पावर्टी है, ये सब। फिर पार्टिसिपेशन क्राइसिस की लोगों को एक दूसरे से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, तो लोग ज़्यादातर पार्टिसिपेट नहीं करते गवर्नमेंट में। तो ये तीन क्राइसिस की बात उन्होंने की थी। और छह टाइप्स ऑफ क्राइसिस किसके थे आपको याद होगा, जो मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थिंकर में पढ़ाए थे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप learningmantra.pb पे जाके, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हो। इसने बताया था, मैं बता देती हूँ, लूसियन पाई ने। तो लूसियन पाई के थे सिक्स टाइप्स ऑफ क्राइसिस, जिसमें वो हिस्टोरिकल क्राइसिस तो नहीं देती, बाकी लेजिटिमेसी क्राइसिस, पार्टिसिपेटरी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये ऐसे करके कुछ, पेनिट्रेशन क्राइसिस, ये छह तरीके के क्राइसिस को बताती हैं। और मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बहुत अच्छे से याद कराई थी, तो ये आप याद करो। एचएलपी क्राइसिस आपके दोस्त ने बताया है कि हमारी कंट्री में हिस्टोरिकल क्राइसिस है, और हम ज़्यादातर जब दोस्तों के साथ बैठते हैं तो बोलते हैं यार लॉ अच्छा नहीं है, लोगों को एक दूसरे से लेना देना है नहीं, हिस्ट्री हमारी जो हिस्ट्री है वो ही ऐसी रही है, क्या ही कर सकते हैं, तो ऐसा सब। देन टू पार्टी सिस्टम, जो उनकी ये बुक थी मैंने आपको अभी बताया था ना कि ला पालमबोरा और मायरन विनर ने एक साथ मिलकर एक बुक लिखी थी, क्या नाम था उस बुक का, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो उसी में ये टू पार्टी सिस्टम की बात करते हैं। अब वो बोलते हैं कि जो कम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम है और नॉन कम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम, कम्पिटिशन कब होगा, जब दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, कम्पिटिशन तो दो या दो से ज़्यादा में ही होता है ना। तो कम्पिटिशन में तो अगर आप लॉजिक लगा के भी सोचो तो कौन कौन सी पार्टीज आएंगी, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। और नॉन कंपटीशन में कौन आएगा कि जिसका आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, तो उसके उसमें दो तरीके के पार्टी सिस्टम आएंगे, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम जो कि इंडिया में था, और वन पार्टी अथॉरिटेरियन सिस्टम। तो ये तो बहुत लॉजिक के ऊपर आप ये पता कर सकते हो, बस ये याद रखो कि कंपिटिटिव पार्टी सिस्टम और नॉन कंपिटिटिव पार्टी सिस्टम के बीच का डिस्टिंक्शन किसने किया है कभी क्वेश्चन में आ सकता है, तो याद रखना। या तो वहाँ पे मायरन मिनर लिखा होगा, मायरन मिनर ना लिखा हो तो पैलम बोरा लिखा होगा, पैलम बोरा या पैलम बारा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ से आया था, उसमें मायरन मिनर नहीं लिखा था, पर हाँ उसमें पैलम बोरा उनका आंसर था PYQ में, कि कम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम और नॉन कम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम के बीच का डिस्टिंक्शन किसने किया है, और दो तरीके के इन्होंने ये पार्टी सिस्टम बताए हैं, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द IS मैराथन learningmantra.vb, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ 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 जाने से पहले कमेंट करें, सॉरी, ट्रिक्स कैसी लगी हो वो ज़रूर से बताना, और कमेंट करके ज़रूर से जाना, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर अच्छी लगे तो। आई नो कि बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, वीडियो इज़ लॉन्ग बट प्ले अलॉन्ग विद मी। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।